दिवाली पर्व पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा वर्ष पर्यंत सदा आप लोगों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। आइए हम बताते हैं दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त। सायंकाल बेला में वृष लग्न शाम को 6:12 से रात्रि 8:08 तक है। इसमें गृहस्थ लोग पूजन करेंगे तो घर में लक्ष्मी की, गणेश जी की हर समय कृपा बनी रहेगी। उसी समय पूजन करने के बाद घर में दीपक जलाएं, इसलिए 6:12 के बाद घर में तेल का या घी का दीपक जलाएं। अर्धरात्रि में सिंह लग्न आता है, सिंह लग्न में माँ काली का पूजन और व्यापारिक बंधु पूजन करें तो लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये पूजन अर्धरात्रि सिंह लग्न 12:40 से रात्रि 2:54 तक, इसमें व्यापारिक वर्ग और तंत्र साधना वाले लोग भी पूजन कर सकते। इसके बाद जिसके पास समय का अभाव हो वो मध्यान्ह काल दिन में कुंभ लग्न में भी पूजन कर सकते हैं। दोपहर 1:36 से 3:07 तक है, इसमें गणेश जी का, कुबेर आदि देवताओं का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के बाद माँ सरस्वती जी का भी पूजन करने का विधान है, बही खाता का पूजन करने का विधान है। बही खाता है माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। तुला तराजू का पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद एक पोटली में धनिया, कमलगट्टा, कौड़ी बोला जाता है, गुड़, हल्दी, सुपारी, चांदी का सिक्का, या जिसके पास चांदी का सिक्का न हो जो प्रचलन में है वो सिक्का पैसा डालकर कुबेर आदि का पूजन करके धन वगैरह पैसा जिसमें रखते हैं, जिसको तिजोरी बोलते हैं, उसमें रख कर उनका पूजन करके आरती किया जाता है, उससे धन संपदा बनी रहती है। ये दीपावली महापर्व जो है ये 5 दिन का प्रारंभ होता है, जो इस बार 5 दिन न होकर 4 दिन ही हुआ है। ये दीपावली में तुला राशि पर सूर्य है और विशेष करके दीपावली के दिन शाम को चित्रा नक्षत्र दिन भर मिल रहा है। चित्रा नक्षत्र में भी पूजन करने से लक्ष्मी की संपदा बनी रहती है। चंद्रमा भी तुला राशि पर है, दोनों को संयोग से बहुत अच्छा योग बन रहा है। और इस योग में तुला राशि वाले पूजन करें तुला लग्न में तो उनकी कभी भी धन की कमी नहीं होगी और हर समय धन संपदा बना रहेगा। मेष राशि वाले दीपावली के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा, अपने सन्मुख दुर्वा चढ़ाएं तो आरोग्यता बनी रहेगी। वृष राशि वाले माँ लक्ष्मी जी भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, उनको कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। मिथुन राशि वाले भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी जी को आराधना करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जप करें, उससे उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हर समय लक्ष्मी की संपदा बनी रहेगी। कर्क राशि वाले माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना के साथ माँ सरस्वती का भी आराधना करें, उससे दीर्घायु की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले सिंह लग्न में माँ काली का आराधना करें तो घर में सुख समृद्धा बनी रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कन्या राशि वाले जातक माँ लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः का जप करें, उनके घर में लक्ष्मी की संपदा बनी रहेगी। धान का लावा दुर्वा गणेश जी को चढ़ाया जाता है और लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, वृद्धि की अग्रसर है और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। वृश्चिक राशि वाले जातक माँ लक्ष्मी को पूजन पर्यंत धान का लावा अर्पित करें तो उनके यहाँ धन संपदा बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातक माँ लक्ष्मी को केसर युक्त अक्षत जो है चढ़ाएं तो उनके यहाँ धन संपदा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा वर्ष पर्यंत बना रहेगा। मकर राशि वाले जातक माँ लक्ष्मी भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाने से घर संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और दीर्घायु प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले जातक भगवान गणेश को एकादश दुर्वा अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लावा चढ़ाएं, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मीन राशि वाले जातक कमल पुष्प या कमल गट्टा
माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में सुख संपदा हर हमेशा बनी रहेगी।